हेलो स्टूडेंट्स, पहले हमने जो एडिशन सीखा था वो था यहाँ पे वन लाइन का, थ्री और सिक्स होता था नाइन। देन यहाँ पे हमें एडिशन करना है फाइव एंड फोर का, और देन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन है। देखिए एक यहाँ एक्स्ट्रा लाइन है वन, तो हमें करना सेम ही प्रोसेस है, ठीक है, पर स्टार्ट पीछे वाले लाइन से करनी है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। जैसे यहाँ पे हम फाइव स्टिक खींचते थे, वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ फोर स्टिक, वन टू थ्री फोर। ये हमने पहले भी आपको दिया था करने के लिए एडिशन, आप इस बार फिर कीजिए, बट सिस्टम आप तीन चार तरह से मैं आपको शो करूँगी। ओके, देन यहाँ पे वन का वन लिखना है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, यहाँ पे फाइव है और यहाँ फोर है, तो बड़ा कौन सा है? पहले मैं आपको काउंट करना सिखाती हूँ। देखिए काउंट करते समय हम यहाँ से इस फिंगर से स्टार्ट करूँगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन। हमें इस तरह से प्रैक्टिस करना है, बट अभी मैं फाइव और फोर को प्रैक्टिस आपको काउंट करके बताऊंगी। फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, देन फोर, वन टू थ्री फोर, ठीक है। अब मैं यहाँ देखिए, मैंने पहले फाइव को काउंट किया, वन से शुरू किया, वन से लेकर फाइव तक यहाँ तक काउंट किया, फिर यहाँ से वन से लेकर फोर तक काउंट किया। अब मैं पूरा गिनूंगी कि कितने हो गए। जैसे फाइव पापा मैंगो लाए थे और मम्मी फोर मैंगो लाई थी, तो पूरे कितने हुए? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो हो गया नाइन। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, तो देखिए यहाँ पे फाइव बड़ा है, तो हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, तो हम इसे काउंट ही नहीं करते। बड़े वाले नंबर को काउंट नहीं करेंगे तो हमें कम काउंट करना पड़ेगा। देन फोर को केवल काउंट करती हूँ, वन टू थ्री फोर, और हमने थंब को यहाँ रख लिया, ठीक है। अब फोर के बाद यहाँ से फाइव बोली, फाइव के बाद वाला नंबर यहाँ लाइए, सिक्स सेवन एट नाइन नाइन, तो यहाँ पे लिखा हमने नाइन। ओके, देन वन का वन। नेक्स्ट है, इसी प्रोसेस से करती हूँ थ्री, तो थ्री बड़ा नंबर है, देन वी हैव टू फॉरगेट थ्री, हमें थ्री को भूलना होगा काउंट करने के लिए। किसे करना है पहले? छोटे नंबर को, वन टू। अब यहाँ प्रश्न आता है कि यहाँ इस पहले वाले को मैं क्या बोलूँ, तो इसे कहना है थ्री के बाद वाला, जिससे हमने काउंट नहीं किया है उसके बाद वाला नंबर क्या है, फोर फाइव, देन यहाँ पे हो गया फाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स प्लस थ्री, देन सिक्स को कैसे काउंट करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड देन वन टू थ्री, ऐसे करते तो देखिए हमें इतना सारा काउंट करना पड़ेगा, देन आएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। बट ध्यान दीजिए, सिक्स तक मुझे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ही बोलना है, तो मैं वो सिक्स के बाद में यहाँ पे सेवन बोलते हैं ना, तो हम सिक्स को बड़े नंबर को काउंट नहीं करूँगी मैं, और करूँगी कौन से को, छोटे नंबर को, वन टू थ्री। देन यहाँ पे देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, इस जगह में बोलते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स के बाद इससे पहले वाले को सिक्स के बाद वाला नंबर सेवन बोलते हैं, तो हम भी यहाँ पे बोलेंगे सेवन एट नाइन, ये हो गया नाइन प्लस वन। ओके, यहाँ पे वन का वन, तो बस हमें याद क्या रखना है, पहले हमें इस साइड का काउंट करना है, नेक्स्ट हमें इस साइड का काउंट। प्रोसेस आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, बट जितना शॉर्टेस्ट प्रोसेस होगा वो आप बाद में उतना ही फास्ट करोगे। ओके, देखिए नेक्स्ट है फाइव प्लस वन, फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, देखिए हमें इतने सारे काउंट करने पड़े, फाइव प्लस वन है ना, अब मैं पूरा करूँगी तो सिक्स आएगा, वन टू, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव प्लस वन, वन हमने यहाँ काउंट किया तो फाइव प्लस वन हो गया। अब मैं उसे पूरा काउंट करूँगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, हमें यहाँ लिखना है सिक्स, बट मैं नेक्स्ट प्रोसेस में कर रही हूँ, फाइव को मैं काउंट ही नहीं करूँगी। देखिए फाइव प्लस वन है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, फाइव के बाद वन, आगे कितना होगा, मैं एक पॉइंट वाला भी एक प्रोसेस बताती हूँ, फाइव प्लस वन कितना हुआ, सिक्स, फाइव सिक्स। नेक्स्ट प्रोसेस बताती हूँ आपको, फोर, आप छोटा सा, अभी आपके पास पेंसिल है, आप यहाँ दो स्टिक्स लगाते हो तो आप इसे बोले फोर, फिर यहाँ दो है तो दो पॉइंट लगाना सीखिए दो के सामने, इस तरह से फोर फाइव सिक्स। ओके, देन वन का वन, यहाँ देखिए अब दो है तो दो वाला आपको समझ में आ गया, सेवन एट नाइन, तो देखिए सेवन, दो हमने पॉइंट लगाया, सेवन एट नाइन, सेवन एट नाइन, वन का वन। नेक्स्ट यहाँ भी देखिए फोर प्लस टू है तो फोर, तो फोर बोलिए
और टू काउंट कीजिए, फोर फाइव सिक्स, फोर फाइव सिक्स एंड देन वन का वन, फाइव एंड जीरो। तो हमें क्या करना है, फाइव को फाइव, अब देखिए हमें समझना है क्यों फाइव और जीरो है, तो हमें जीरो को कुछ नहीं करना है। तो देखिए यहाँ वन जीरो टेन है और यहाँ पे फाइव है, देन हमें क्या करना है, जीरो और फाइव कितना होगा, पापा जीरो आम लाए यानी कुछ भी नहीं लाए और मम्मी फाइव लाए, तो घर में फाइव है ना, तो हमें लिखना होगा फाइव, कितने लिखने होंगे फाइव और वन का वन, बट यहाँ पे पापा जीरो नहीं लाए थे, पापा टेन लाए थे, मम्मी फाइव लाई थी, तो कितने हो गए, टेन फाइव फिफ्टीन मैंगो हो गए। कैसे, देखिए जीरो और फाइव फाइव, वन का वन फिफ्टीन, ओके।